देसी कुजीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की सेव। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है और ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। आज हम इसे एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बेसन की सेव बनाने के लिए मैंने ये बेसन लिया है। मैंने इस कप से मेजरमेंट लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है। इसी कप से मैंने ये 1/2 कप चावल का आटा लिया है। इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। इसी कप से मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, ये डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप मठरी की तरह ही इसे ऐसे मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर ऐसे मुट्ठी बनती है तो हमारा ऑयल इसमें ठीक डला है। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे। अब आप इसमें नमक मिला दें, 1/2 छोटा चम्मच नमक मिला दें, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला दें, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिला दें और 1/2 छोटा चम्मच ही भुना हुआ जीरा मिला दें और चुटकी भर इसमें हींग डाल दें। हींग आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लें। आप देख सकते हैं हमारा डो गुन के रेडी हो गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमें इसे बहुत टाइट नहीं गूंदना, हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। और इसके लिए हमारा 1/2 कप पानी लगा है। अगर आप मेजरमेंट लेते हैं 2 कप बेसन से तो आपका 1/2 कप पानी ही लगेगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। अब आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होना छोड़ दें और अपने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। अब ये मैंने एक सेव बनाने की मशीन ली है, आप इसे इस प्रकार नीचे से खोल लें और इसका ये सिलेंड्रिकल जो है इसे निकाल लें और इसे अंदर से ग्रीस कर लें। और सेव बनाने के लिए ऐसे एक मैंने एक सांचा लिया जो कि इसमें यूज़ होगा। तो आप इसे सबसे पहले ग्रीस कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें। आप इस प्रकार इसे ब्रश से इस प्रकार ये ले लें और इसके अंदर ये डाल दें और फिर इसे इसके नीचे बंद करें इस प्रकार। और अब आप इसे जो आपकी वाला सिलेंड्रिकल रोड है आप इसे भी थोड़ा ग्रीस कर लें। हमने अपने सांचे को ग्रीस कर लिया है। अब हमारा ये जो बैटर है इसे ले लें। अब आप इस बैटर को थोड़ा सा तोड़ लें और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लें, जैसे ये शेप है इस शेप में आप इसे कर लें। इस प्रकार आपने इसे सिलेंड्रिकल शेप में बना लें और इसे इसके अंदर डाल दें। अब आप इसे दबाएं और इसे अंदर कर लें और इसे इसके ऊपर इसे बंद कर लें। ये हमारा सांचा अब रेडी हो गया है। अब हम इसे बनाएंगे। उसके लिए आप एयर फ्रायर की बास्केट बाहर निकाल लें। अब आप एयर फ्रायर की बास्केट को भी बाहर निकाल कर उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लें। अब आप अपना इसको लेकर इसे इस हैंडल को प्रेस करेंगे बार बार, तो आप इस प्रकार इसे निकालें और उसे सर्कुलर मोशन में इसे करने के बाद यहाँ से सीध चाकू से कट कर दें। इस प्रकार आप इस पर अपनी सेव बिछा दें और इसे अब 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए
एयर फ्राई होने दें। 5 मिनट होने पर आप अपने एयर फ्रायर को बाहर निकालिए और इसे पलट दें। और इसे 5 मिनट्स के लिए और होने दें। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम अपना एयर फ्रायर खोलकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी प्रकार आप एक और रोल बना लें और उसे भी इसमें डाल दें और इसे अच्छे से बंद कर लें। और अब आप इसे फिर से इस प्रकार आप अपनी सारी सेव बना लें और इसे भी अब आप 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लें। हमारे 10 मिनट हो गए हैं, अब हम हमारे बाकी भी बने हुए निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बनके तैयार हो गए। अब आप इसे थोड़ा ठंडा होने दें, ये बहुत गर्म है अभी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें सेपरेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तब आप इसे सेपरेट कर लें। आप अपने हिसाब से भी को सेपरेट कर लें, जो भी जुड़ी हुई थी हमने उसको सबको सिंगल सिंगल कर लिया है। अब आप एयर फ्रायर की बास्केट को निकाल कर इसे एक से डाल दें और इसे 5 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लें। लेकिन आप 3 मिनट पे इसे खोलकर एक बार दोबारा चेक कर लें। 3 मिनट होने पर आप इसे एक बार बाहर निकाल लें और इसकी बास्केट को शेक कर दें और इसे 2 मिनट और होने दें। अब आप अपनी एयर फ्रायर की बास्केट को बाहर निकालें और सेब को एक प्लेट में निकालें। आप इसे थोड़ी देर ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सेब बनकर तैयार होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसे पास से जाकर कितनी क्रंची बनी है आप देख सकते हैं। हमारी सेब बनकर तैयार है। अब आप इसे किसी भी ऐसे एक जार में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं और महीने भर खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रंची बनी है। तो फ्रेंड्स, इस होली पर आप भी इस ऑयल फ्री सेब को बनाएं और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।